नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुन रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए। ग्वालियर की 14 साल की बच्ची ने अपने वहसी पिता की करतूत उजागर की। माँ और मौसी के घर लौटने पर बच्ची ने आपबीती सुनाई और इसके बाद उन्होंने बहोड़ापुर थाना पहुंचकर शिकायत की। बता दें, बच्ची राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के पिता ने साल भर पहले भी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की थी। मामले में बच्ची अपनी माँ और बहन के साथ कोर्ट में पेशी पर आई थी और शुक्रवार की शाम 6 बजे जब माँ और मौसी बाजार गई थी तभी आरोपी घर में घुसा। उसने छात्रा के सीने पर हाथ मारा और कपड़े पकड़कर खींचकर कमरे में ले जाने लगा। बच्ची घबरा गई, उसने शोर मचाया तो आरोपी ने उसे धमकाया। इसी समय छात्रा की छोटी बहन आ गई, उसने भी आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला पकड़कर धक्का दे दिया। इसी बीच बड़ी बेटी ने जोर लगाकर खुद को पिता से छुड़ा लिया। उन्होंने तत्काल माँ और मौसी को सूचना दी। जब तक वो घर पहुंची तब तक आरोपी भाग निकला था। इसके बाद थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। मासूम पीड़िता से जब पूछा गया कि पिता कब से यह हरकत कर रहे हैं तो उसने बताया कि पापा पहले भी मेरे साथ और बहनों के साथ ऐसा कर चुके हैं। जब हम सो रहे होते थे तो पापा पास आकर लेट जाते थे, कपड़ों में हाथ डालते थे, गंदी हरकतें करते थे। यह बात मैंने अपनी दादी को बताई थी। दादी ने पापा को डांटा था लेकिन वह सुधरे नहीं। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता की तलाश कर रही है। सेंट्रल एकेडमी प्राइमरी स्कूल दीनदयाल धाम कॉलोनी पढ़रा इनवाइट्स एडमिशन फॉर सेशन 2022-23 फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 7th। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 1st एंड कैशबैक ऑफ ₹2,500 फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन क्लास 2nd टू 7th। ब्रॉट टू यू बाय लिटिल हैंड्स। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.